मैं बुलेट बुलेट धीरे धीरे गर्म होता हूँ और मैं हवाई जहाज हूँ एकदम उड़ जाती हूँ। बड़े चल रहा है ना, कुछ मर गए कहते ना, वेट डाल दो। मैंने कहा था कि बिना वेट के तेरी हस्ती कर दूंगा। ऐसे नहीं, आई एम क्यू बन गई हूं मैं। मैं आ रहा तो मैं तेरे पैर छूंगा जिम में, अगर तुम आ रहे हो तो मेरे पैर छूएगी जिम में। गाइस आज हम करने वाले हैं चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट जो हम दोनों करेंगे साथ में, और आपको कपल वर्कआउट भी देखने को मिलेगा और साथ में यही पता लगता रहेगा कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं अपने चेस्ट और ट्राइसेप्स के बॉडी पार्ट में। सो लेट्स गो। भी आप वर्कआउट करो, मौसम बदल रहा है, पानी सर्दियों में पिया नहीं जाता, तो एक आपके लिए टिप, वर्कआउट के बीच में अगर आपका वर्कआउट की इंटेंसिटी 1.25 घंटे के आसपास मीडियम इंटेंसिटी करते हो तो 500 ml के आसपास पानी आपने जरूर पीना है। आप हाइड्रेटेड रहो, अपना पानी पीते रहो, बीपी में सिप सिप करके पेट भर के, और प्यास बुझाने के लिए नहीं पीना, याद रखना। कितने सेट है इसके? 4। 10 रेप तो हो जाएंगे, 10 की प्लेट लाके मैं इसको अपना मुश्किल कर दूंगा। चल मेरे साथ। कैसे मुश्किल? जब मैं ऊपर आऊंगा तभी ऊपर आएंगे। नहीं यार, थोड़ा वेट वेट मारना मजा आता है यार। वेट मारेंगे उसमें सारा जितनी पावर सब उसमें डेड कर दूंगा। तो पुशअप में क्यों नहीं? अभी बॉडी गर्म हो रही है। तुम्हें करने का मन नहीं है? नहीं अभी गर्म हो रही है करने का। मैं बुलेट टू बुलेट धीरे धीरे गर्म होता हूँ। मैं हवाई जहाज हूँ एकदम उड़ जाती हूँ। उतनी जल्दी लैंड में जाती है। थोड़ा रेस्ट कम कर देगी ना तो अपने आप ही मुश्किल हो जाएगा। बड़े चल रहा है ना आज, ये वर्कआउट में रोएगी कि क्या वर्कआउट किया है। मैंने दो लेते ये सोच के शादी से पहले ही ले लेते, ताकि दो रिसीवर होंगे ना तो आगे जाके दूसरे परचेज नहीं करने पड़ेंगे, और ये हमारा काम आ जाएगा। आज काम आ रहा है, चैलेंज हो गया ये हमारे बीच में, कौन ढंग से और बढ़िया पुशअप मार गए। कहते ना वेट डाल दो, मैंने कहा था कि बिना वेट के तेरी हस्ती कर दूंगा, ठीक है? और नहीं करी तो चल शर्ट लगा ले। क्या है शर्ट? शर्त ये है। शर्त क्या है बोलो? सर तू बता क्या? ऐसे नहीं, आई एम क्यू बन गई हूं मैं। चल ठीक है, अगर मैं आ रहा तो मैं तेरे पैर छूंगा जिम में, अगर तुम आ रहे हो तो मेरे पैर छूएगी जिम में। चल बोल, ठीक है? चल भाई अभी छुएगी, जो आ रहे हो वो छुएगा। चल चलो भाई, उमंग मूछ कटवानी पड़ जाएगी यार। क्या था डाउन अप, चल डाउन। दस हो गई? दस की बात ये बात है, दस की हुई थी? दस की हुई थी? नहीं दस की हुई थी, ये चेक की चीटिंग है। दस की हुई थी? दस की हुई थी। मैं कहता कौन पहले गिरेगा, ये कोई बात थी। वापिस आ, तो देखो रेस्ट लेगी। ये तो चीटिंग कर ली उमंग तुमने, दस मारे भी नहीं है वैसे भी तूने। गिरेगा कौन पहले? ठीक है ना, चलो 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 रेस्ट ले लिए बहुत तूने वैसे। चल 1 2 3 गो अप। अप। गई 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 अप। मैं हार रही नहीं हूँ। गाइस बताएंगे, चलो ठीक है आज के व्लॉग में अगर लोगों ने बोल दिया कि मैं हारी हूँ तो कल छूंगी। चलो अब यार डिसीजन इज ऑन यू, आपके ऊपर डिसीजन। अगर आपने देखो बोला, इससे पहले मैं बता समझा देती हूँ, 10 रैप हमने सारे करे हैं। लास्ट में ये बोला कि वेट नहीं बढ़ाएंगे और होल्ड करके अपनी बॉडी को गर्म करेंगे और अपना लास्ट सेट करेंगे एक और। देखते हैं कौन पहले गिरेगा। नहीं ये नहीं बोला, झूठ बोल रही है। वीडियो में आ जाएगा। आ जाएगा ठीक है। शर्त ये लगी थी कौन पहले गिरेगा। नहीं अगर 10 रैप मेंशन करे थे, अगर 10 रैप ही हो गए तो उस पैर छूने की बात ही जावी। क्या
पैर पैर तुमने बोला कि 10 रैप किया है, 10 रैप कर रहे हैं, तो 10 रैप की होगी ना, कि 10 रैप मुश्किल कर दूंगा। बात ये हुई थी कौन, चल ठीक है, ऑडियंस को सबको समझ आ गया, चल ठीक है, पूरा व्लॉग डाल दिया, हां पूरा व्लॉग डलेगा। अगर आपने बोला कि केवी हारी है और शर्त ये थी कि जो हारेगा वो पैर छुएगा, तो कल के भी पैर छुएगी। तुम अपने जिम में मत भंडारा फोड़ देना कि इसको कमेंट में बताओ। चलो मैं जिम वाले के कमेंट नहीं मानूंगा, ठीक है, जो मेरा ग्रुप है उन्हें कमेंट नहीं मानूंगा। आप बताओगे कि फेयर डिसीजन क्या रहेगा, 10 का था, अब एक्सेस करता, अगर तुमने 10 का मेंशन किया होगा तो 10 का नहीं मानूंगी। बात करने के बाद करो, नहीं और नहीं नहीं, चल आ जा, जब यम कर रहे हैं मशीन बेंच प्रेस, मैंने 3 सेट कर चुकी हूँ, थर्ड सेट में 15 था लास्ट, अभी भी मैं लास्ट में 15 लूंगी क्योंकि मैंने लास्ट के 4 रैप हेल्प ली थी, 4 नहीं थे, 2 ही थे, 2 थे क्या, बाकी 2 में मूवमेंट थी। अब देखते हैं, हमें ट्राई करना है कि ये 16वां रैप जो है, इसके 16 रैप का मतलब ये होता है कि आप अपने इतनी, आपको इतनी पावर ना हो कि आप 17 रुपए पे जा सको, इतनी पावर भी ना हो कि आप 8 रुपए पे ही खत्म हो जाओ। 12 से 16 की रैप रेंज है, 12 इसको सेल्फ लगवाने हैं, 4 मैं लगवा दूंगा। चल 2 3 आप चल, 1 2 3 4 एक हो रहा है, एक हो रहा है, और अब लगा 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 16 एक लास्ट 15 16 16 हो गया ना, मेरे को लगा 15 हुआ है, 10 के बाद मैंने उल्टी काउंटिंग शुरू कर दी थी। तो 16 रैप आपका हमेशा ऐसा आना चाहिए, मेरी भी रैप रेंज 16 की है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे 12 रैप जो है वो सेल्फ आए, और अगले 4 रैप के लिए मैंने सपोर्टर को खड़ा करा हुआ है ताकि सपोर्ट दे दे, ठीक है, सपोर्टर हूँ मैं, मतलब घर पे वाइफ या सपोर्टर। चलो 6 7 8 14 यो मुझे जरूरत नहीं है, जल्दी 15 एक और, एक और लास्ट है, वेरी गुड, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, शक्ल तो दिखनी नहीं मेरी, अभी आ जाएगी, आप आ गई, चल 16 रैप लगवाई हो, उठवाना भी है, उठवा लूंगा, चल मेरी 1 2 2 एटलीस्ट सेल्फ, 11 एक और सेल्फ, 12 मार दूंगा, चल वेरी गुड, ऐसी एनर्जी मुझे भी चाहिए, 15 क्या बात है, इसके लिए ना अपना काम खुद करा कर, अपना काम खुद ही कर दो, मेरा बैंड सेट कर दो, ठीक है, एक बात सुनो, अपनी डाइट, अपना बैग, अपना जिम की तैयारी खुद करना सीखो, जिम में अपना काम खुद ही करती हूँ, अपना वर्कआउट भी खुद करती हूँ, क्योंकि खुद की बॉडी अलग अपनी होती है ना, तन क्या बोल गई मैं, गाइस हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, अब जो हमने चैलेंज किया ना पुशअप का, उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो माइक था उसकी बैटरी हो गई डाउन, तो उसकी वजह से हम लोग आपको आगे का नहीं दिखा पाए, मारा क्यों यार, हम आपको आगे का नहीं दिखा पाए, तो अगर आपको देख रखे YouTube पर लो जी, तो गाइस अब इसी के साथ हम अपना ये चैलेंज यहीं पे खत्म कर देते हैं, भाई आप प्लीज इसे लाइक करिए, और आपको ऐसे ही कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए, मतलब कुछ आपके माइंड में कि हम इस पर वीडियो बनानी चाहिए, हमें प्लीज कमेंट में सजेस्ट करिए, हमें कुछ नहीं समझ आता, इनकी तो डेली व्लॉग का चल गया है, मैं क्या बनाऊँ अब, दोनों फिटनेस में क्या बनाए, आप प्लीज सजेस्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, खूब से कमेंट करिए, अल्लाह हाफिज़।